शुरुआत में लोग केवल सर्दियों में दवाई के तौर पर चाय को पीते थे। इसे रोज पीने की परंपरा भारत में शुरू हुई। तो चलते हैं चीन की ओर। चाय पीने का शुरुआत कहाँ से हुआ? ऐसा कहा जाता है कि चीन के एक राजा शेन न्यू के सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया था। उसमें गलती से चाय की सूखी पत्ती गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया। राजा ने जब इस पानी को पिया, उसे यह नया स्वाद बेहद पसंद आया। तब जाके चाय पीने की परंपरा शुरू हो गई। पानी के बाद चाय ऐसा एक पेय पदार्थ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। तो चाय की पत्तियों से मच्छर भी भाग जाते हैं। अगर चाय की पत्तियों को कुछ देर आप पानी में भिगो दे और उसकी स्मेल को घर के चारों तरफ फैला दे, तो वो प्राकृतिक ऑल आउट का काम करता है और मच्छर को भगा देता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे चाय के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन है। सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना और दूसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका में 80% चाय की खपत आइस टी के फार्म से होता है। ब्लैक टी यानी काली चाय की सबसे ज्यादा खपत भारत में होता है। चाय में एक एल्थनाइन नाम का इंग्रेडिएंट होता है जो आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है, बुद्धि विकास करता है और आपको कुछ देर तक नींद नहीं लगने देता। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।